डरती है बहुत, शर्मा रही हो आप। वही मैं सोच रहा हूँ, लोग चिल्ला क्यों रहे ऐसे। हाँ क्या हो गया इसको, ये रुक जा। इंडियन डांस चाइनीज डांस कोलैब, मिक्स कर दो दोनों। हाँ जोरदार जोरदार भाई जोरदार। ऑल राइट गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में चाइना सीरीज के। और पिछले वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि मैं मौज मस्ती कर रहा था चोंगचिंग सिटी में, है ना। आज मैं बुलेट ट्रेन पकड़ के आ चुका हूँ चोंगचिंग को अलविदा करके शियान सिटी। जी हाँ, एक ऐसी सिटी जो एंशियंट सिटी मानी जाती है चाइना की, मतलब सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है और थोड़ी ऊपरी की तरफ है। इनफैक्ट मेरे को कितने घंटे लगे बुलेट ट्रेन में, कितने की टिकट थी, वो सारी डिटेल्स एक काम करता हूँ, आपको छोटी सी बुलेट ट्रेन की मेरी क्लिप्स इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर वापस अपन इधर ही मिलते हैं, ठीक है। अब देख लो मेरी जर्नी चोंगचिंग से शियान की। चार की स्पीड में दौड़ रही है ये बुलेट ट्रेन। इस वक्त 1.5 घंटा हो गया है मुझे इस ट्रेन में बैठे और अभी भी 4 घंटा बाकी है, क्योंकि ये टोटल 5.5 घंटे की जर्नी है फ्रॉम चोंगचिंग टू शियान। जी हाँ, हम जा रहे हैं शियान, एक नई सिटी इस चाइना ट्रिप की हमारी। दोपहर के 3 बजे पहुंचा देगी शियान। अगर टिकट फेयर की बात करूँ तो ये टिकट मैंने कराई थी 401 युआन में ऑनलाइन ही, जब मैं किड्स में, तो आपको पता ही रहेगा अगर आपने सेकंड वीडियो देखा है तो। 401 युआन मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 4,800 रुपए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पूरे 5.5 घंटे लगे मेरे को बुलेट ट्रेन में और 4,500 या 4,800 रुपीज लगे और मैं पहुंच गया दोपहर के 3 बजे शियान। और फिर 1 घंटा मेरे को मेट्रो में इधर भी लगा ताकि कि मैं मेरे हॉस्टल के इलाके में पहुंच सकूं। इसी के पीछे जो बिल्डिंग है उसी में मेरा हॉस्टल स्टे है, 2 रात यहीं पे रुकने वाला हूं। और ये मेन इलाका माना जाता है पूरे शियान सिटी का, बेल टावर बोलते हैं इस इलाके को। ठीक मेरे सामने बेल टावर है और ये भी बहुत पुराना है और भी हम जो भी चीजें देखने वाले बहुत पुराना है। अभी बजे है 6:30 और ठीक 1/2 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा जी। तो आपको शियान सिटी लाइटिंगों से भरी तो मिलेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जब उजाला है ना, सूर्य देवता हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, सनसेट दिख रहा है ना, तब आपको थोड़ा घुमा लो ये नीचे के इलाके में। प्रतीक 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 बहुत शर्मा रही हो आप। या इंदुरन, आई थिंक यू थिंक योर थिंकिंग इज वेरी राइट। ट्रेवल हियर, वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली? वांगडोंग। Oh, this is my probably second week, completing second week now. Yeah. More 2 weeks. Third day in Xi'an. Ah, first day in Xi'an. First day. What's this dress called? Is this the costume of Xi'an? Yeah. Oh, so what's this called? This dress. Ah. Hangfu. Yeah. Ah, and your hairstyle is also Xi'an hairstyle. It's so actually many. Yeah, so many. It's actually unique and amazing. Thank you. Yeah, yeah. Okay, bye bye. You are looking colorful, by the way. Bye bye. Yeah, thank you so much. सो ये जो बेल टावर मेरे ठीक पीछे देख रहे हो ना, और यहाँ पे इतनी भीड़ भी देख रहे हो कि लोग क्यों इसके साथ फोटो खिंचाते, इतना खास क्यों है, इसका कारण ये है कि 1384 में बनाई गई थी, मतलब चाइना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेल टावर है जो इतनी बड़ी है। 1384 मतलब 14वीं सदी हो गई, उस टाइम मिंग डायनेस्टी का यहाँ पे राज था। अगर डायनेस्टी की बात करूँ ना तो भाई साहब चाइना में बहुत सारी डायनेस्टीज थी, मतलब बहुत सारा एम्परर्स थे, जैसे कि चिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी। और यू वोंट बिलीव, शियान इसलिए खास है क्योंकि ये 13 डायनेस्टियों ने इसको कैपिटल बनाया था, मतलब जब जब जिसका जिसका राज था ना, हमेशा वो लोग शियान को ही कैपिटल बनाते थे। तो इसलिए ये हिस्टोरिक से भरपूर है, कल्चर से भरपूर है। इसका कारण ये है कि हुई मुस्लिम इस सिटी में भरपूर मिलेंगे। अब ये हुई मुस्लिम है क्या मुझे भी नहीं पता, मैं तो नॉर्मली मुस्लिम ही समझता हूँ। तो उनका यहाँ पे मॉस्क भी है, उनकी स्ट्रीट भी है अलग से, जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, मुस्लिम स्ट्रीट फूड वगैरह। और ये हम पहुंच गए हैं मुस्लिम क्वार्टर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा
कहा था कि यहाँ पे मिक्स कल्चर है, स्पेशली ये स्ट्रीट पे, ये क्वार्टर में है ना, टोटल 90,000 या 1,00,000 लोग रहते हैं, उसमें से आधे लोग मुस्लिम है। और शियान में जो भी टूरिस्ट आता है इस स्ट्रीट पे जरूर आता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ आपको स्ट्रीट फूड ही स्ट्रीट फूड मिलेगा। इसकी एंट्री देख के कुछ अलग लगा होगा, और यहाँ पे एग्जिट देख के, आई मीन जो पीछे साइड है उधर देख के मंदिर वगैरह लगा रहेगा इनका, है ना? नहीं भाई जी, ये एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिल्वर से रिलेटेड तरह तरह की मेंस एंड वुमेन्स की ज्वेलरीज आपको मिल जाएगी। बढ़िया। इसके ठीक बगल में मेरे को एक मस्त चीज दिख गई, ये है एक वीगन जगह स्नैक्स की, आई मीन कॉर्न से बने हुए सारे स्नैक्स है, आप देख लो। मैंने इनको पूछ लिया कि मसाला हो कि कुछ भी हो, ऑयल हो कि जो भी हो, सारी वीगन है ना। इन्होंने कहा कि हाँ, सोयाबीन ऑयल में हम तलते हैं, मसाले भी वीगन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बगल में भी कुछ नॉनवेज का नहीं है, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही है। मैंने सोचा कि ये ट्राई करना तो बनता है ना, क्योंकि ना ही अगल बगल में नॉनवेज बन रहा है और ना ही यहाँ पे नॉनवेज मिल रहा है। How much? Money, how much? 15. Which flavor? Malada. अच्छा, अलग अलग फ्लेवर है। ये प्लेन है, ये जो अभी मैंने खाया सॉल्टी वाला, ये टीका है, ठीक है? नहीं, ऐसे ही रहे, हाथ में खाऊंगा अभी इसको मैं। ये मेरे को एक कुछ यूनिक चीज दिखी, ये बड़े बड़े बोर है ना, वो और अखरोट का मिक्सचर एक ऐसा। मैंने बोला कितने का है, तो बोला 45 युआन का 1 किलो। मैं बोला जी एक ही चाहिए जी टेस्ट के लिए, तो इन्होंने बोला कि 4 युआन का। मैं बोला ठीक है, देखते हैं कि 4 युआन में जो अखरोट प्लस बोर का कॉम्बिनेशन लिया है ये लगता कैसा है। कुछ यूनिक बोर है, बड़ा बड़ा बोर है, मीठा हल्का सा कम है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी स्ट्रीट में आऊंगा, कवर जरूर करूंगा, नजदीक किधर भी नहीं जाऊंगा स्ट्रीट फूड के, बिकॉज यार इतना तगड़ा वाला नॉन वेजिटेरियन है ना, मेरे को नहीं जमता है। मैं सोचा कि बीच से ही चलूंगा और यहाँ का हसल बसल दिखा दूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो है यहाँ पे वीगन के हिसाब से, जैसे कि वो ड्राई फ्रूट स्टोर या फिर वो एक कॉर्न का था ना, वो भी मेरे को बढ़िया लगा था, मैं लेने वाला था, 15 युआन का पैकेट था, लेकिन दो फ्लेवर थे। मैंने कहा कि दोनों मेरे को आधा आधा टुकड़े करके दे दो, मैंने बोला नहीं, एक का ही टुकड़ा होगा कोई भी एक फ्लेवर। मैंने बोला रहन दो, या तो सिर्फ तीखा खाओगे तो बहुत तीखा लगेगा, या तो वो नमक वाला खाओगे तो बहुत नमकीन ही रहेगा। फिर आओ, क्या नेक्स्ट लेवल का कॉस्ट्यूम है और क्या मेकअप है, बहुत खूब। हाउ मच? 25? बाप रे, मैंने तो 10 युआन में चोंगचिंग में पिया था। एंड व्हाट अबाउट दिस? महंगे यार, इधर रहने दो दीदी। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड पे हमेशा फूड सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे महंगा है स्ट्रीट फूड पे। इसका कारण ये है कि डबल रेट है भाई साहब। गन्ने का जूस मैंने पिया था खुनमिंग में 10 युआन में, चोंगचिंग में नारियल पानी सेम ऐसा पिया था 10 युआन में, और इधर 20 युआन ने, 25 युआन ने, पता नहीं क्या क्या मैडम रेट्स बोल रही है। शिशि बाय बाय। ये देखो, सिर्फ पैकिंग का फर्क है, वो 15 युआन का पैकिंग अच्छा खासा था, ये 10 युआन का, लेकिन प्लास्टिक थैली में दिया है। पैकिंग से मेरे को इतना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चल चल के खाने ही वाला हूँ। लेकिन मजे की बात ये है कि भाई साहब ने, है ना, वो वाले भाई साहब जो पीछे खड़े है ना, उन्होंने मेरे लिए दोनों फ्लेवर स्प्रिंकल करे इस पूरे पापड़ी पे, और मेरे को चाहिए भी वही था ना कि दोनों फ्लेवर एंजॉय कर सकूं। क्या अच्छा, बारकोड से पैसे दे सकते हैं, क्या बात है, गजब टेक्नोलॉजी है चाइना में।
बेहतरीन जगह है। मेरे हॉस्टल वालों ने बोला था कि 8:30 से 9 है ना, ये दयंता स्क्वायर में जाना, मस्त लाइट शो मिलेगा देखने। और सच में जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे कई गुना खूबसूरत है। आप ऊपर आसमान में देख लो जो लेजर लाइट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, और नीचे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फव्वारे के कलर्स देख लो आप। मजा आ गया भाई, सच कह रहा हूँ। क्या एंडिंग हुई है, ये सब लोग ए यू कर रहे थे। बहुत सारे फव्वारे यार, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत ही, बहुत सारे लाइन से पूरा स्क्वायर इन्होंने फव्वारे से घेर दिया है, तो मजेदार लगा। जब कोई शो खत्म होता है ना, उसके बाद ही आपको एक्चुअल भीड़ का अंदाजा होता है। आई मीन जब पब्लिक बिखरती है या फिर बैक टू अपने अपने ठिकानों पे जाती है ना, तब आपको दिखेगी अरे बाप रे इतनी सारी भीड़ थी क्या। और अभी सबवे में जाने का कोई मतलब नहीं होगा, बहुत भीड़ मिलेगी। इससे अच्छा थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ इस जगह को, क्योंकि जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। आई मीन सामने ही देख लो सारे झाड़ों पे जो येल्लो लाइटिंग लगाई है ना, और ये लाइटिंगों को भी जूम करके बताओगे ना, तब आप देखोगे कि चाइनीज लेटर्स में लाइटिंग है। अरे या एक नंबर भाई, अरे क्या बात है, जोरदार। इंडियन डांस चाइनीज डांस कोलैब मिक्स कर दो दोनों। हाँ मानना पड़ेगा, कोई कोई लोग तो देख के पहचान जाते हैं ये हिंदू रन है, मतलब हिंदू पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, तो मस्त अपना डांस वांस या फिर जो भी है नमस्ते वमस्ते बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दिस लोकेशन इज क्रेजी बाबा, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस लोकेशन में इतने सारे फोटोशूट्स हो रहे हैं ना, मेरे सामने इतने लोगों का हुआ वो जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख लो कितने लोग आपको दिखेंगे, वेटिंग पीरियड में भी बैठे कुछ लोग कि कब उनका नंबर आए और कब उनका फोटोशूट्स हो। बहुत सारे लोग है यहाँ पे। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, दादी है भाई ये तो बहुत। नो मेयो मेयो वेरी वेरी लिटिल पंगियो या फ्रेंड फ्रेंड या फ्रेंड फ्रेंड इंडिया नो नो अ लिटिल जस्ट फ्रॉम वीडियो फ्रॉम वीडियो या फ्रॉम टिकटॉक चाइनीज टिकटॉक हां ओके नाइस टू मीट यू बाय 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 बाय। चाइनीज टिकटॉक में इंडिया के बारे में देखते रहते हैं लोग बातों बातों में। मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ, ऐसी स्ट्रीट पे आ गया हूँ कि क्या बोलूँ, मतलब दिल खुश हो गया देख के अभी। ओए होए 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 ये देख लो कितना शानदार है, और ये छोटी मोटी स्ट्रीट नहीं है, कितना तो मैं चल चुका हूँ, और ये देख लो कितनी दूर तक और है। मतलब क्या डेकोरेट किया है, क्या क्लीनलीनेस है, और ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं। पॉपुलेशन तो अपनी जितनी है, लेकिन फिर भी मेंटेन करना इस बड़ी बात। अभी जो अच्छी चीज़ है उसको मैं अच्छा ही बोलूँगा ना, भले एक दो कमेंट मेरे को पता है आएंगे ऐसे कि चाइना की आप तारीफ कर रहे हो, सीसी स्पॉन्सर्ड, पैसे वैसे मिले हैं क्या। अरे भाई अभी इसको क्या बोलूँ कि नहीं नहीं कितना गंदा है, अभी ऐसा बोलूँ क्या। अभी इतना बेहतरीन लग रहा है मेरे को, इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रीट है ना, देख लो, और दोनों तरफ झाड़ों पे जो लाइटिंग है लगी, और दूर दूर तक देख लो आप क्या मस्त लाइटिंग है, और इस तरफ भी देख लो। तो जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको अच्छा ही बोलूंगा ना, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहला वीडियो देखा ही है इस सीरीज का, मैंने साफ साफ बोला है कि भाई साहब इधर वी चैट अली पे चलता है पेमेंट के लिए, टैप एन पे ही है, इधर कैश इतना चलता नहीं, ऐसे बुड्ढे लोग ही यूज़ करते, लेकिन मैं मेरे फ़ोन में डाउनलोड नहीं करूँगा कोई चाइनीज ऐप, मेरे को मेरे फ़ोन में नहीं चाहिए चीनी ऐप, वो पे बोला है मैंने। तो इसका मतलब कि अगर वो स्पॉन्सर्ड होता है मेरे को चाइना का गवर्नमेंट से, तो क्या ऐसी सब चीज़ बोलता। अपन वो पूरा इतना चल के आए, इस तरफ भी सेम लाइटिंग है, इस तरफ भी सेम लाइटिंग है, और इस तरफ जहाँ पे भीड़ जा रही है हम भी जा रहे हैं, उस तरफ भी सेम लाइटिंग है। मतलब बहुत बड़ी स्ट्रीट है, बहुत सारे अट्रैक्शन है यहाँ पे, मतलब बहुत इंजॉय कर सकते हो, पूरी शाम पूरी रात आप देखोगे ना, घूमोगे फिरोगे कम नहीं होने वाली। और यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आ रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है जी वहाँ पे। ओ अब समझा, जितना चिल्लाओगे उतना जोर से ये फव्वारा ऊपर जाएगा, ये देखो, समझ रहे हो बात को, अभी देखो। हाँ
My god. वही मैं सोच रहा हूँ, लोग चिल्ला क्यों रहे हैं ऐसे? हाँ, क्या हो गया इसको? ये रुक जा। ये लोग नहीं मानेंगे, थोड़ा भी बाहर नीचे चला जाता ना, इनको सहन नहीं होता है, बाबा चिल्ला देते। यहाँ पे ना इतनी ठंडी है नहीं जितनी सोची थी। आई मीन इंटरनेट पे भी बता रहा था कि -2 -3 होएगा रातों में वगैरह, लेकिन इतना है नहीं। जोरदार है। भाई साहब, चोंगचिंग भले ही हो वन ऑफ माई फेवरेट सिटी इन चाइना, लेकिन अगर जगह की बात हो ना, तो भाई दिस प्लेस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन चाइना। और ये मैं कोई हाइपर बोले नहीं कर रहा, आई मीन कोई ओवर एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जो लग रहा है, जो महसूस हो रहा है, बस वही बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ये जगह नेवर एंडिंग है, मतलब जितना भी जाओ अलग अलग चीजें देखने मिलेगी और मनोरंजन वाली चीजें देखने मिलेगी, सच कह रहा हूँ। बस अभी लग रहा है कि बैक टू हॉस्टल जाना चाहिए, क्योंकि और 3-4 किलोमीटर अभी चलना रहेगा मेट्रो स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा, पहुंचूंगा। अंत में आप लोगों को हॉस्टल भी तो बतानी है वगैरह, है ना? चलो अभी थोड़ा सा एंड है तो पूरा कंप्लीट कर ही देते, फिर निकल जाते हॉस्टल की तरफ। जोरदार यार, और ये ओरिजिनल है, पुतला नहीं है भाई। वही मैं सोच रहा था, पब्लिक इधर खड़ी है कैमरा के साथ, गेट सेट गो होने वाला है, किस चीज का हो रहा है, क्या बात है। मतलब ये लोकेशन पे कुछ ना कुछ एनी टाइम होते ही रहता है भाई, सही है। हाँ जी भाई, तो घूम लिए फिर लिए, बहुत मजे कर लिए, अभी हॉस्टल की बारी है मजे करने के, आई मीन हॉस्टल में बारी है मजे करने के। अरे क्या, पहला शॉट ही वाइट बॉल अंदर चला गया, मेरा पोपट हो गया। ये जो हॉस्टल है इसका नाम है देस्ती यूथ हॉस्टल, जो शियान बेल्ट टावर, आपने नीचे का तो एरिया देखा ही है। ये मेरे को पड़ा है प्रति रात का 750 रुपया। इस तरीके से हॉस्टल है, आप देख लो, इतना बड़ा कंपाउंड है जो कि क्लीन है, किचन भी इधर ही है, पूल टेबल भी इधर ही है, बार भी इधर है, रिसेप्शन भी इधर है, और नीचे रूम्स वगैरह है। मेरा है 223-2233, इस तरीके से है, सही है ना? क्या खोटा, मेरे रूम में सिर्फ 3 बेड ही ऑक्यूपाइड है, बाकी 7 बेड खाली है। और वैसे तो मैं हॉस्टल टूर इतना डिटेल में देता नहीं, लेकिन प्यारी हॉस्टल लगी, रेट के हिसाब से सुहावनी लगी और मेन लोकेशन पे लगी, जिसके कारण मैंने सोचा कि हॉस्टल के बारे में आप लोगों को बता दूं। एनीवेज, ये वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। मैं भी काफी थक गया हूँ, अभी सो जाऊंगा, मस्त आराम करूंगा, कल जो भी धमाल मस्ती करेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग ही जाएगा।